स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मैंने जो कुछ प्लांट परचेज किए हैं उनके बारे में कुछ जानकारी, उनका क्या प्राइस है और उनकी पोटिंग जो है किस तरीके से हमें करनी है। तो दोस्तों आज जो है मैंने ये कुछ प्लांट्स ख़रीदे हैं अपने लोकल नर्सरी से, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले जो आप ये प्लांट देख रहे हैं इसका नाम है रेनुनकुलस। ये जो प्लांट है दोस्तों इस पर काफ़ी खूबसूरत फूल आता है। ये जो प्लांट है मुझे 20 रुपए में मिला है। ये जो है नर्सरी वालों के पास सैंपल आया हुआ था तो उन्होंने मुझे 20 रुपए में दे दिया। दोस्तों ये जो है विंटर का एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और इसे जो है जनरली जो है ये बल्ब से ग्रो होता है। दोस्तों दूसरे नंबर पर ये जो आप दो प्लांट देख रहे हैं इनका नाम है प्राइमरोज़ या प्राइमुला, दोनों नामों से हम इन्हें जानते हैं। दोस्तों ये जो प्लांट मुझे मिले हैं ये 50 रुपये में मुझे एक प्लांट मिला है जो कि पॉली बैग में लगे हुए हैं। अगर आप इन्हें जो है पोट में ख़रीदते हैं तो वो आपको 30 रुपये जो है ऊपर महंगे देंगे। दोस्तों ये जो प्लांट मैंने ख़रीदे हैं इनमें जो है कोई भी अभी जो है किसी पे भी फ्लावरिंग शुरू नहीं हुई है, मतलब फूल खिले नहीं हैं, क्योंकि मुझे जो है प्लांट्स जो है मेरे घर पर आकर ही खिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों तीसरा जो आप ये प्लांट देख रहे हैं ये है गजानिया का प्लांट। ये जो है एक प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और मुझे 50 रुपये में मिला है। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पर भी एक बर्ड आ चुकी है पर जो कि खिली भी नहीं है, पर जो है 2 या 3 दिन में ये खिल जाएगी। दोस्तों इस पे काफ़ी और बहुत सारी छोटी छोटी बर्ड्स हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों इन्हीं प्लांट्स के साथ मैंने एक ये ख़रीदा है क्ले पॉट। ये क्ले पॉट है 8 इंच का क्ले पॉट है ये और ये मुझे जो है 70 रुपीज़ में मिला है। दोस्तों ये जो दो प्लांट हैं ये हैं डहेलिया के, ये जो 4 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। दोस्तों ये प्लांट मैंने खुद से ग्रो किए हैं सीड्स से, हाइब्रिड सीड्स से ग्रो किए हैं ये, और भी काफ़ी सारे प्लांट हैं मेरे पास। और जो आप ये प्रोफेशनल सीडलिंग ट्रे में देख रहे हैं दोस्तों ये भी डहेलिया के ही प्लांट हैं पर ये जो देसी वैरायटी है। दोस्तों ये भी मैंने जो है सीड से ही ग्रो की है खुद से ही, इनकी भी एक वीडियो आएगी, आप चैनल पर जुड़े रहें। इनकी जो है गार्डन में प्लांटिंग करेंगे तो आप वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों ये था प्लांट परचेज के बारे में, अब हम सीखेंगे कि इन्हें रिपोर्ट किस तरीके से करना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है बात कर लेते हैं पोटिंग मिक्स के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं स्पेशली विंटर सीजन के, उनके लिए जो हमें सोइल मिक्सचर चाहिए होता है पोटिंग मिक्स, वो जो है वेल ड्रेन सोइल होनी चाहिए, काफ़ी पोरस होना चाहिए, पानी जो है रुके ना, सोगी सोइल बिल्कुल ना हो, वरना जो है प्लांट जो है फ्लावरिंग करने में दिक्कत करते हैं। तो दोस्तों पोटिंग मिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, हम इसमें जो है बराबर बराबर मात्रा में ले रहे हैं गार्डन सोइल, कोकोपीट, काउडंग कंपोस्ट, मैं जो है गोबर की खाद ले रहा हूँ, आप वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हैं, और सैंड, सैंड जो है रिवर सैंड या कंस्ट्रक्शन सैंड, जो भी आसपास कंस्ट्रक्शन जो है कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है वो वाली सैंड आप ले सकते हैं। और सैंड लेने के बाद जो है इसे अच्छे से हम मिला लेंगे, मिक्सचर जो है तैयार कर लेंगे। जो चारों चीज़ें हैं वो बराबर बराबर मात्रा में लेनी है। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद हम जो है पोटिंग के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं जो है रिपोर्ट कर रहा हूँ अपने इस रेनुनकुलस के प्लांट को, इसे मैं इस क्ले पॉट के अंदर जो है रिप्लांट करूँगा, रिपोर्ट करूँगा,
और जो दूसरा प्रिमूला का यानी कि प्राइम रोज़ का प्लांट है वो मेरे पास एक जो है पहले से एक पोट खाली था, उसे उसके अंदर जो है ट्रांसप्लांट करूँगा। दोस्तों प्लांट्स को ट्रांसप्लांट करते टाइम जो एक बात ध्यान रखनी है, सीजनल प्लांट्स के लिए ये स्पेशल है कि जब भी आप इन्हें रिपोट करें तो ध्यान रखें कि इनकी रूट्स को जो है बिल्कुल भी डैमेज ना करें। कुछ लोग सोचते हैं कि इसके अंदर जो है इनकी रूट्स बाउंड हुई पड़ी हैं तो हम इन्हें जो है थोड़ा प्रून कर देंगे। दोस्तों सीजनल प्लांट्स के साथ बिल्कुल भी ऐसा ना करें, ये पॉली बैग्स के अंदर पहले से सेट होते हैं। अगर आप इनकी रूट्स के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर जो है इनकी ये सारी एनर्जी जो है रूट्स को रीग्रोथ करने में चली जाएगी और जो है फ्लावरिंग आपके प्लांट जो है कम करेंगे या फिर जो है फ्लावर की क्वालिटी आपको जो है ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। तो बेहतर रहेगा कि आप रूट्स के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, एज इट इज़ इस रूट बॉल को जो है पोट के अंदर जो है शिफ्ट कर दें। दोस्तों ध्यान रहे कि जो है प्लांट को रिपोर्ट करते टाइम आपको जो है रूट बॉल को बिल्कुल भी दबाना नहीं है, बस हल्के से इसे बीच में रखकर साइडों से जो है इसके आप पोटिंग मिक्स को भर दीजिए। ध्यान रहे कि आप प्लांट को जो है बीचों बीच में रखें, कारण यही है कि रूट्स को चारों तरफ फैलने का अच्छा स्पेस मिल जाता है और बीच में लगा हुआ प्लांट काफ़ी अच्छा भी लगता है और जो है हर तरफ से जो है इक्वल ग्रोथ कर सकता है प्लांट। इसलिए कोशिश करें कि प्लांट को जो है पोट के बिल्कुल बीच में लगाएं। तो चलिए दोस्तों मैं इसको प्लांट रिपोर्ट कर लेता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। तो दोस्तों मैंने इन्हें जो है अपने प्लांट्स को जो है रिपोर्ट कर लिया है, ये मेरा रेनुनुकुलस का प्लांट क्ले पॉट में। अब जो है इनके अंदर जो है पानी देंगे, वाटरिंग करने के बाद जो है इन्हें शेड में रखूँगा मैं। थोड़ा टाइम शेड में रखना चाहिए रिपोर्ट करने के बाद। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे प्राइम रोज के पत्ते भी थोड़े जो हैं झुक गए हैं, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद जो है इन्हें थोड़ा शेडी एरिया में रखना चाहिए और प्राइम रोज को तो वैसे ही फुल धूप की जो है ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये सेमी शेड एरिया में भी चल जाता है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपके साथ इसकी जो है अपडेट शेयर करूँगा, तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे।